लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे हो गई है लड़का वापस नहीं आया किसी को कोई फिक्र नहीं अरे राधिका इतनी रात को कहां से आ रही हो राधिका जी मंदिर बस तू तो जोगन बनके सगरे मंदिर में घूमती फिरी हो क्या हुआ है काका ये एम्बुलेंस क्यों आई है आ गया तो मॉम बताओ ना क्या हुआ है? कुछ भी हुआ तुझे क्या फर्क पड़ता है कुछ ये हमारे तुझे तो बस ऐसा मत बोलो मॉम मॉम प्लीज बताओ ना क्या हुआ ये एम्बुलेंस क्यों आई है बेटा तेरी दादी माँ को कार्डियक अटैक हुआ पहले मेरी बात सुन देख डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस की वजह से हुआ है ये सब लेकिन मैं जानती तेरे वजह से परेशान थी इसलिए ऐसा कुछ मत करना बेटा जिससे उनकी हालत और बिगड़ जाए समझा बोलना समझा कि नहीं डॉक्टर साहब खून उनका जरूरत हो तो बता दीजिए हम अपने खून का आखिरी बूंद तक चाची माँ के लिए दे देंगे पर चाची माँ को कुछ नहीं होना चाहिए अगर उनको कुछ हो गया तो हम कामों दिखाएंगे अपने बंसी बजैया को भाऊजी दादी माँ की तबीयत खराब है तो उन्हें एडमिट करा देते हैं नहीं 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 एडमिट कराने की कोई जरूरत नहीं माता जी खतरे से बाहर बस उनका खास ख्याल रखना होगा और अब उन्हें हर तरह के तनाव से दूर रखना होगा ये देव का भी कुछ लीजिए देव भी आ गए देव कहां रह गए थे तुम कमाल करते हो देव कहां थे अब तक दादी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है यहां पे खैर वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पर था मैंने सब देख लिया और तुम तो जानते हो ना दादी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है मैं कितना याद कर रही थी भाई आफ्टर ऑल अब वो तो तुम ही उनके फेवरेट पोते ना मैं चलता हूं पुरोहित जी देव तुम अंदर जाके दादी मां के पास बैठो मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़कर आता हूं आइए डॉक्टर साहब जाओ जाके मिल लो
बड़ी लंबी उम्र है देवर जी आपकी, दादी माँ भी आप ही को याद कर रही थी। वैसे तो हम थे उनके साथ, अब हाल फिलहाल तो हम एक ही बहू है ना घर में। भाभी कहाँ है? घर में ही है, विवेक भैया को कमरे में लेकर गई हैं, रात हो गई थी ना। अब लो, आपने तो हमें बातों में लगा दिया, ढेर सारा काम है हमें, आप जाइए अंदर जाइए, हम आते हैं। आप कहाँ थे? दादी माँ कितना परेशान हो गई, और हम आपको फोन करते करते थक गए, पर आपने फोन ही नहीं उठाया। अभी अभी आंख लगी है दादी माँ की, आप बैठिए, हम दवाइयां लेके आते हैं। गया था तू, परेशान कर दिया मुझे, ना मेरा फोन उठा रहा था और ना ही तूने किया, डरा दिया था मुझे। डरा तो आपने दिया है दादी माँ। मैंने कहाँ डराया, मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाली। क्या कहने वाला था मुझसे? अच्छा बता, तू क्या कहने वाला था मुझसे? भी ना, आप इतना क्यों टेंशन लेती हैं? ऐसी कोई बात नहीं, there's nothing to worry. थी वो बात है कि डैड ने मुझे ट्रस्ट की सारी जिम्मेदारियां दे दी, और ऊपर से ही नई नई शादी, तो मेरे ऊपर एक साथ दो दो बड़ी जिम्मेदारियां आ गई। बस इसके ही बारे में आपसे एडवाइस लेनी थी, लेकिन अब मेरे सब कुछ समझ में आ गया है, मैंने अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर ली है। आखिर पोता किसका हूं? आपका ना, तो कोई परेशानियां मुझे परेशान करे? Impossible दादी। तू सच कह रहा है ना? मैं आपका साथ नहीं दे सकती, मेरी शादी होने वाली। मैं आज सूरज कुंड गया था, मेरे वहां जाते ही मुझे ये समझ में आ गया कि मैं तो बात को यूं ही उलझा रहा था। मेरे समझ में आ गया है दादी, मुझे देव बनकर नहीं, मॉम डैड का बेटा और आपका पोता बन के सोचना है, तभी तो सारी चीजें सॉल्व होगी ना। लाइफ का इतना बड़ा सच मेरे समझ में आ गया दादी माँ, ये जो हो गया वो होना ही था, और जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तबीयत ठीक है ना बेटा? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आपको पता है दादी माँ, इस कमरे में एक इंसान की तबीयत खराब है, और वो मैं नहीं, वो आप हो, इसलिए आप अपनी आंखें बंद करो और आराम करें। आराम तो मुझे मिल गया है, तू जो वापस आ गया मेरे पास। हाँ दादी माँ,
आपका देव वापस आ गया। रहने दे, विशाखा कर देगी। विशाखा जी पिठे बर्तन साफ कर दे। रहने दे, मुझे दर्द नहीं है। क्या बात है? ना कुछ नहीं। बताइए ना, आज तक आपने मुझसे मुंह नहीं फेरा है। आपका इस तरह से मुझसे नाराज हो जाना और मुझसे बात ना करना मुझे बहुत परेशान कर रहा है माँ। आपके ऐसे बर्ताव की कोई तो वजह है। मैंने तुम्हें देखा कुंड वाले मंदिर से निकलते हुए, तुम देव बाबू के साथ थी। आपको और उदास नहीं देखा जाता देव भैया। रात बिरात आप उसकी तलाश में भटक रहे हैं जिससे आपका कोई नाता ही नहीं। अब तो मान जाइए कि वो सिर्फ एक भ्रम था। काश वो मेरा भ्रम ही होता बिरजू, तो इतना दुख नहीं होता। जब एक सच टूटता है ना, तो सपना टूटने से ज्यादा दुख होता है। समझ नहीं पाए देव भैया, जिस लड़की से आप कभी ढंग से मिले नहीं, कभी बात नहीं की, वो सच कैसे हो सकती है? वो सच है बिरजू, मैं आज सिर्फ उससे मिला ही नहीं बल्कि बातें भी करी।
जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैंने सब कुछ उसे बता दिया। जिस पल का मैंने सबसे ज्यादा इंतजार किया था वो पल आया भी और बीत भी गया। बोलो राधिका, मैं तुम्हारा सच भी जानना चाहती हूँ। तुम देव बाबू से मिलने क्यों गई? मैं उनसे नहीं मिली माँ। मैं मंदिर जरूर गई थी पर हमारा आमना सामना नहीं हुआ। मैंने जैसे ही उन्हें मंदिर में देखा मैं बाहर आ गई। बहू, की भोली बातों में ना आई हो बहू। क्यों नहीं छोरी, क्यों गई थी दामाद बाबू से मिलने और वो भी अकेले में? राधे राधे राधे, तू क्या सोचत है? तोरी अलट पलट कहानी हम मान लेंगे? नहीं अम्मा, मैं का अब जुबान काहे अटक गई? मन का चोर पकड़ो गयो ना? अरे की नियत में खोट है खोट। नियत में मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम तो तूने किया है राधिका। इतनी रात गए तू देव बाबू से मिलने, मंदिर में अकेले गई है क्यों? भरोसा तेरे पर, भरोसा हम भरोसे से कह रही हैं कि तूने विशाखा का घर उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी है। बता, अगर मैं गलत कह रही हूं तो बताए क्यों गई थी मिलने? अम्मा जी की बात का जवाब दो राधिका। कह सकती हूँ मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे विशाखा को तकलीफ पहुंचे और फिर उसका घर उजड़े। वाह वाह रे छोरी वाह, ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे करने में अब बाकी का बचा है? माँ, अम्मा तो मुझ पे विश्वास नहीं कर रही है, कम से कम आप तो मेरी बात पे विश्वास कीजिए। अगर आप ही मेरी बात का भरोसा ही करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तेरी आंखों को देखकर लग रहा है राधिका कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। अगर मुझे तेरे चेहरे में थोड़ी भी सच्चाई दिखती तो मैं तेरी बात मान लेती। देख लियो बाबू, अब तो भरोसा हो गया ना? मोरी बूढ़ी आंखें इंसान को पहचानने में धोखा ना खावे। देख लियो ना इस कलमुई का रंग। मैं क्या करूं अम्मा जी? अब तो तू उही कर जो हम कहेंगी, समझी? कौन है? उसका नाम क्या है? ये तो मैं आज भी नहीं जान पाया बर्जू, लेकिन ये जरूर जान गया हूं कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती। उसकी शादी होने वाली है।
मैं कितना सेल्फिश हो गया था बिरजू, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैंने अपने दर्द को बहुत बड़ा बना के रखा था। बिरजू, दादी माँ की ये हालत देखकर मैं डर गया था। दादी माँ के लिए मैं अपने प्यार को क्या, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बिरजू, मैं अब दादी माँ को और परेशान नहीं कर सकता। मुझे बदलना होगा, अपना प्यार, अपना दर्द, सब कुछ भुलाना हो।